गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। वो जहां भी जाते हैं लोगों में उनसे मिलने की होड़ दिख रही है। हालांकि इस पूरे गुजरात दौरे में राहुल के साथ जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस की जा रही है वो है उनका बैग। आमतौर पर एसपीजी सुरक्षा के बीच चलते नेताओं को खुद अपना सामान उठाते नहीं देखा जाता। ऐसे में राहुल का ये बैकपैक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल अपने बैग में कुछ कपड़े और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें रखते हैं। इसमें मोबाइल चार्जर जैसा जरूरी सामान भी शामिल है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी खुद को जनता के साथ जुड़ा दिखाना चाहते हैं। फिर चाहे वो भरूच में मंतशा नाम की छात्रा के साथ सेल्फी लेना हो या फिर सामान्य से होटल में लोगों के बीच बैठकर भोजन करना, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिससे गुजरात की जनता को वो संदेश देना चाहते हैं कि वो उन्हीं के बीच के हैं और लोगों से जुड़ाव रखते हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को राज परिवार का बताकर उन पर निशाना साधती रहती है। शायद उसी का असर है कि अब राहुल गांधी ये टैग हटाकर जनता के बीच जा रहे हैं और खुद को उनसे जुड़ा हुआ दिखाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये गुजरात चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।